नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ सुदर्शन ट्रैक्टर्स शमशाबाद में। और आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ में ये है मैसी फर्गुसन का प्लेनेटरी प्लस 9500। तो आज हम इसके बारे में जानकारी करेंगे और इसकी जो खूबियाँ हैं, जो खासियतें हैं, उनके बारे में जानेंगे। साथियों, अगर हम इसके फ्रंट से शुरुआत करें तो आप देखोगे कि इसमें आपको कंपनी फिटेड ये बम्पर मिल जाता है और उस पर ये वेट भी लगा हुआ है। और सामने से ही अगर हम बात करें तो आपको रेडिएटर के सामने ये जाली लगी हुई है, जिससे कि जो रेडिएटर है वो हवा से ठंडा बना रहे। अगर इसके एक्सल की बात करें तो आपको इसका स्ट्रेट फिक्स्ड हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको सिंगल एक्टिंग इसकी पावर स्टेयरिंग मिल जाती है। और अगर इसके फ्रंट टायर्स की बात करें तो आपको जो है इसके ये जो फ्रंट टायर हैं 7/50/16 के सीएट के, इसमें आपको ये फ्रंट टायर मिलते हैं। अगर इस ट्रैक्टर के टर्निंग रेडियस की बात करें तो आपको इसमें करीब करीब जो टर्निंग इसका रेडियस है 3145 mm का आपको टर्निंग सर्कल रेडियस मिल जाता है इसमें। वहीं अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो आपको करीब 420 mm का आपको ये ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सिम्पसन का इसमें आपको 2700 cc का इंजन मिल जाता है। ये जो ट्रैक्टर है ये थ्री सिलेंडर में आपको ट्रैक्टर मिल जाता है। वहीं आप इसके अगर प्लेटफॉर्म की बात करो तो काफ़ी आपको इसका ऊंचा और हैवी प्लेटफॉर्म मिलता है, जो क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी ऊंचा है, तो चढ़ने के लिए ये नीचे पैरदान दे रखा है, जिसकी सहायता से आप आसानी से प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ सकते हो। और प्लेटफॉर्म भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे आपको जगह मिल जाएगी। आपको इसमें ये पुशअप पेडल्स मिलते हैं, जो बहुत ही इजीली आसानी से बहुत ज़्यादा बिना दबाव के आप इनको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो गियर्स होते हैं साइड शिफ्टेड गियर हैं, और साइड शिफ्ट के लिए आप देख पाओगे कि ये जो गियर हैं नीचे से ही ये साइड शिफ्टेड हैं। अन्य में क्या होता है, यहाँ से वो इस तरह से घुमा के देते हैं। जबकि इसमें एक सबसे बड़ी और ख़ास बात है कि जो आपको गियर है वो प्लेटफॉर्म के नीचे से ही, ये देखिए, यहाँ से ही शुरुआत से ही ये गियर यहाँ से ही निकाल कर ये साइड शिफ्टेड गियर दिए गए हैं। तो अन्य ब्रांड में या अन्य ट्रैक्टरों में आपको इस तरह के साइड शिफ्टेड गियर नहीं मिलते हैं। एक्चुअल में कहा जाए तो इन्हीं गियरों को साइड शिफ्टेड गियर आप कह सकते हैं। देख पाएंगे दोनों ही साइड से ये इस तरह से ही गियरों को साइड से निकाला गया है, और इस तरह से ये आपको ये साइड शिफ्ट ये गियर मिलते हैं। और जो सीट है, सीट भी इसकी एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। ये ट्रैक्टर आपको 58 HP में मिलता है। और अगर इसके PTO HP की बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये जो मैक्सिमम PTO पावर है इसकी वो 40 HP की है। और बाकायदा कंपनी इसको लिख कर देती है टैफे का, आप ये यहाँ पर देखोगे जो भी है यहाँ पर ये टैफे ने अपना लगा रखा है। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 2050 kg का 20.5 क्विंटल का आपको इसमें लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाएगी। और इसमें ऑयल इमर्स आपको तेल में डूबे हुए जो हैं ब्रेक मिलेंगे। और प्लेनेटरी प्लस है तो इसलिए ये पीछे वाला जो एक्सल है इसका ये काफ़ी आपको हैवी मिलेगा। और ये जो प्लेनेटरी प्लस ब्रेक्स आपको आप देख पाओगे इस तरह के, इसमें ये प्लेनेटरी प्लस टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कि जो क्राउन पिनियन की प्रॉब्लम्स होती थी या क्राउन पिनियन की प्रॉब्लम आती है वो इस टेक्नोलॉजी से एक तरह से बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। अगर पीछे के टायरों की बात करो तो 16/28 के इसके आपको पीछे वाले ये टायर मिल जाते हैं, और ये टायर भी आपको इसमें सीएट के मिलेंगे। और कंपनी फिटेड आपको ये करीब 45 kg का ये रिम पर ये कंपनी फिटेड वेट मिलता है। आप देखोगे दोनों साइड ये 45 kg का आपको ये कंपनी फिटेड रिम के ऊपर ये वेट मिल जाता है।